हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैग बॉम्ब के। ये वीडियो आप लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाली। फाइनली इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, अगर आप भी यूज करते हैं वीवो T3X 5G के फ़ोन, तो आपके फ़ोन में जो कैमरा दिया हुआ है, इस कैमरे में कितने फीचर हैं, कैसे आपको यूज करना है, सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप अपने कैमरे को सही तरीके से यूज करना जान जाते हैं, तो आपको बहुत से फीचर आपके कैमरे में दिए हुए हैं, सारे फीचर को यूज करके आप जो है फोटोग्राफी जो है मतलब बहुत ही अच्छी शूट कर सकते हैं फोटो वगैरह। तो सबसे पहले हम कैमरे को ओपन करते हैं। कैमरे को ओपन करने के बाद चलिए जान लेते हैं कौन से फीचर कैसे यूज करना है। लेफ्ट साइड सबसे नीचे नाइट वाला ऑप्शन है। नाइट का जो है ऑप्शन का यूज तभी करना है जब अगर हमें नाइट वगैरह में फोटो शूट करना है, और इसमें फ़िल्टर का आप यूज करेंगे तो काफ़ी जो है जो हाई क्वालिटी में या तो कहें बेहतरीन क्वालिटी में आपको फ़ोटो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये ब्लर वगैरह है, पोर्ट्रेट वाला जो नीचे दूसरा है। अगर जो है साइड का सारा ब्लर लेना है, अपना जो है फेस क्लियर चाहिए उसके लिए फ़ोटो पर सॉरी जो है इस पर भी आपको जो है फ़िल्टर मिल जाते हैं सारे ऑप्शन पे देख सकते हैं। पोर्ट्रेट वाले में भी आपको मिलता है फ़िल्टर का ऑप्शन। यहाँ पे नीचे आइकन जो बना हुआ है, इसी में जो क्लिक करेंगे आइकन पे तो आपको फेस ब्यूटी का भी फीचर मिल जाता है। आपको जैसा भी स्किन टोन वगैरह चाहिए, स्ट्रिंग वगैरह, तो सारा कुछ आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। स्मूथनेस कैसा चाहिए, ज़्यादा स्मूथ चाहिए तो आप ज़्यादा स्मूथनेस कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे थर्ड नंबर पे फ़ोटो का ऑप्शन है, फ़ोटो पर क्लिक करते हैं। तो फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे फ़िल्टर में देखेंगे, यहाँ पे तमाम फ़िल्टर हैं, जो भी फ़िल्टर आपको लगाना है। फ़िल्टर का यूज़ करके अगर फ़ोटो शूट करेंगे तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में फ़ोटो शूट होता है। और एक माइक्रोफोन या माइक्रो करके जो फ़िल्टर होता है वो काफ़ी ज़बरदस्त फ़ोटो शूट करता है। इसके बाद यहाँ पर गूगल लेंस, इसको कट करते हैं। सबसे ऊपर देखेंगे कैमरे के बगल में जो फ्लैश है, सबसे ऊपर राइट लेफ्ट साइड ऊपर। दूसरे नंबर पे ऑलवेज ऑन रखना या ऑटो रखना है या ऑफ रखना, आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। ऊपर HDR है जो कैमरे के जस्ट नीचे, इसको आपको क्लिक करके HDR ऑटो कर देना है। ठीक, इस कंडीशन में सही रहेगा, ऑटो HDR हमेशा रखिएगा। इसके बाद सुपर माइक्रो है, इसका यूज तब हम करेंगे जब किसी फ्लावर वगैरह का फ़ोटो शूट करना है, उसके लिए जो माइक्रो का यूज करेंगे। लेफ्ट साइड सबसे नीचे AI है, AI को आप जो है ऑन कर सकते हैं या आफ कर सकते हैं, इससे कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन फ़ोटो आप शूट करेंगे दोनों में हल्का फुल्का इफेक्ट पड़ता है। सबसे नीचे अब वीडियो का ऑप्शन है, वीडियो पर हम क्लिक करते हैं। तो वीडियो पर क्लिक करने के बाद इसमें सेम फ़िल्टर आपको जो फ़ोटो में दिया था, वही वीडियो में भी आपको सेम फ़िल्टर देखने को मिलता है। इसमें भी फेस ब्यूटी का फीचर आपको मिलता है। स्किन टोन वगैरह आप लोगों को यहाँ पे चेंज करना है तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड सबसे ऊपर फ्लैश है कॉर्नर में, आप भी इसको जो फ्लैश को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे आप जो कैमरे को अल्ट्रा रखना चाहते हैं, स्टैंडर्ड, या इसको ऑफ करना चाहते हैं, जैसा भी चाहते हैं आप ऐसा रख सकते हैं। तो मतलब वीडियो जो शूट होगा वो दूसरी क्वालिटी में होगा। और यहाँ पे HD में आप रखना है जो है फुल HD में रखना है, या 4K में आपको वीडियो रिकॉर्ड करना है तो आप कर सकते हैं। 60 FPS यानी जितना ज़्यादा आप जो चूज करेंगे ऑप्शन वाला है, इसमें जितना ज़्यादा नंबर रहेगा उतनी अच्छी क्वालिटी का फ़ोटो शूट होता है। अब इसको HD में मैं रख देता हूँ, और उतना ही MB भी यूज करता। एक मिनट का वीडियो अगर है 100 MB ले रहा है 720 में, वही 1080 में जो है वो लगभग 200 MB लेगा या जो है 150 MB लेगा। तो इसके बाद यहाँ पे जो है सबसे लास्ट में नीचे जो है 64 एम्पीयर का कैमरा है, उसके द्वारा आप शूट कर सकते हैं। और सबसे नीचे मोर है, मोर पर क्लिक करते हैं। करने के बाद पैनो करके पैनोरमा नाम से एक जो आता है, आप इस पर क्लिक करते हैं। तो एक ग्रुप फ़ोटो लेना है, जब एक ही कैमरे में सभी का फ़ोटो नहीं आता है तो इसका यूज करते हैं। और लेफ्ट साइड से स्लाइड करके राइट साइड लास्ट तक जाते हैं, फ़ोटो शूट हो जाता है एक लंबा सा फ़ोटो, तो एक ही कैमरे में सारा फ़ोटो आ जाता है। इसके बाद लाइव फ़ोटो है, लाइव फ़ोटो का मतलब दोस्तों वही कि ये जो आपका फेस क्लियर रहेगा, बाकी साइड का एरिया ब्लर रहेगा। इसके बाद फिर से मोर पर क्लिक करते हैं। स्लो मोशन है, स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग करना है तो उसके लिए हम जो स्लो मोशन का यूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे टाइम लैप्स है, टाइम लैप्स में आप जो फ़ोटो शूट करते हो वीडियो की तरीके से फ़ोटो शूट होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं टाइमिंग चल रहा है अभी, ये जो आप देख सकते हैं प्ले करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं ये फ़ोटो है, मगर ये वीडियो की तरीके से दिखेगा आपको, कहीं भी अपलोड करेंगे फ़ोटो के तौर पर अपलोड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे प्रो वर्जन है, प्रो वर्जन में आप जो अपने हिसाब से कैमरे को सारा कुछ अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, पूरा एडिट अपना जो है प्रो में सब कुछ मतलब आल टू आल अपने हिसाब से कैमरे की सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद और जो दो तीन फीचर हैं जो कि काफ़ी यूजफुल नहीं, लेकिन जो मैंने आपको बताया ये सारे लगभग यूजफुल थे। और जो यहाँ पे डुअल व्यू वाला है, डुअल व्यू पे आप क्लिक करते हैं तो आपका फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा दोनों कैमरा एक साथ चलेंगे, दो फ़ोटो आप शूट कर पाएंगे। देख सकते हैं एक ही में पीछे का भी आगे का भी दोनों कैमरे से फ़ोटो शूट हो जाएगा।